बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की ठान ली है। कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर ईरान ने इराक के अंदर मौजूद अमेरिकन फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इत्तलात ये हैं कि 3 मिसाइल हमले इराक के अंदर अमेरिका के फौजी ठिकानों के ऊपर हुए, जिसके नतीजे में 5 से ज्यादा अमेरिका के सोल्जर जान बहक हुए। आपको बताते चलें कि हमले के वक्त अमेरिका की फौज के साथ साथ इसके मिलिट्री कैंप्स के अंदर इराक के फौजी भी मौजूद थे। ईरान के सदर रूहानी ने कुछ रोज कबल टेलीविजन खिताब के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि अमेरिका तैयार रहे। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इस बयान को हुए तकरीबन 3 रोज गुजर गए हैं कि आज इराक के अंदर अमेरिका की फौज के जो ठिकाने हैं बगदाद के अंदर, इनको निशाना बनाया गया। 3 मिसाइल हमले हुए, जिसके नतीजे में 5 अमेरिकन फौजी जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। नाजरीन, मामलात क्या हैं, क्यों इराक और अमेरिका अपनी जंगी सनत को इराक के अंदर लेकर आ गए हैं और इराक का अमन तबाह करके रख दिया गया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल अरब न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के हवाले से। तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक, ईरान, सीरिया और इसराइल सऊदी अरेबिया को एक ऐसी जंग के अंदर धकेलना जा रहा है कि जो बाइडन जो मर्जी करता रहे, ये मामलात कभी ठीक हो ही नहीं सकते। अगर बात करें मशरक़ वस्ता की, तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इराक के अंदर अमेरिका के बगदाद वाले फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 से ज्यादा हमले होते हुए दिखाई दिए और इन मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकन फौजी जान बहक हुए। जब हमला हुआ, इस वक्त अमेरिका की फौज के अलावा इराक की फौज भी मौजूद थी। तो 3 रोजा कबल ईरान के सदर हसन रूहानी ने कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले अपनी कौम से खिताब किया था। इस खिताब के अंदर उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसराइल के चुंगल में मत फंसे। अगर इसराइल के चुंगल में फंसकर अमेरिका इस तरह गलतियां करता रहा, तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह पहले भी हम दे चुके हैं। साथ ही हसन रूहानी का ये भी कहना था कि हमने कासिम सुलेमानी जैसे ग्रेट लीडर का बदला भी लेना है। आपको बताते चलें कि मामलात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इराक के सदर ने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान अपनी जंगी सनत और अपनी दुश्मनी को इराक की सरजमीन पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इराक का अमन तबाह कर रहे हैं, क्यों इराक के मामलात जो हैं वो खराब किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान और अमेरिका की जंग जो बाइडन के आने से भी खत्म नहीं होगी, ये मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ईरान पहले से ज्यादा अपनी यूरेनियम की अफजोदगी की तरफ जो है वो लेकर जाएगा, अपने आप को बहुत ज्यादा इनक्रेज करेगा अपने आप को, जिससे वो एटमी मिसाइल हासिल करने के लिए बिल्कुल करीब उसके पहुंच जाएगा। फिलवक्त के लिए अमेरिका और ईरान की जंग इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर रशिया और चाइना हायल हैं। नाजरीन, फिलवक्त के लिए अमेरिका और ईरान की जंग इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर रशिया और चाइना हायल हैं। चाइना सबसे ज्यादा कैपेबल है, चाइना बहुत ज्यादा प्रमोशन करता है। चाइना और ईरान के दरमियान इकोनॉमिक डील भी हुई है और चाइना ने वहां पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चाइना अपने इंटरेस्ट को और अपने कैपेसिटी को बचाने के लिए ईरान को कभी भी बैक नहीं कर सकता कि वो अमेरिका के साथ जंग करे। दूसरे नंबर पर रशिया बहुत बड़ी टेक्निकल गेम खेल रहा है। पूरे के पूरे मशरक वस्ता के अंदर इसकी पॉलिसी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। रशिया चाहता है कि ईरान बेशक इससे मिसाइल ले, बेशक इससे S-300 या S-400 मिसाइल सिस्टम ले, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका के साथ जंग ना करे। अगर अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग की जाती है तो ईरान नुकसान उठाएगा और जो रशिया का इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, जो सीरिया के अंदर, वो सारे का सारा जो है वो तबाह होगा और इनडायरेक्टली रशिया को भी नुकसान होगा। तो ये थी आज की पूरी खबर इस हवाले से। नाजरीन, अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।